हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं फिर से आ गई हूँ अपना स्टडी शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए और अभी मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के आ गई हूँ पार्क में क्योंकि मुझे थोड़ा जॉगिंग करना था क्या होता है ना हम पढ़ाई में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने हेल्थ का मतलब ध्यान नहीं रखते हैं लेकिन पढ़े के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और मैंने हेल्थ को नेगलेक्ट करके बहुत ज़्यादा अभी रिग्रेट कर रही हूँ सो पार्क से आने के बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश होके अपना टेबल स्टडी टेबल क्लीन करके मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और जो आज मेरा पहला जो स्लॉट में था वो था भोकाब और भोकाब में भी मैं ऑनर्ड सब्सक्रिप्शन कर रही हूँ प्रीवियस ईयर का जो कि मैं पिनाकिल की बुक से कर रही हूँ मैंने पिनाकिल की अभी न्यू एडिशन करके के ले आई हूँ तो क्या होता है ना उससे सारा का सारा जो क्वेश्चन है और उसके पीछे आंसर भी दिया होता है तो इजी रहता है और मैं कुछ भी नहीं मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं पीछे जो आंसर है उससे देख के कर लेती हूँ सो so, मैंने बहुत दिनों से नहीं डाल रही थी मतलब वीडियो नहीं डाल रही थी क्यों नहीं डाल रही थी वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कुछ प्रॉब्लम हुआ था इसलिए नहीं आ रही थी वीडियो आफ्टर डोन तो दुका मैं अभी दे रही हूँ मूक जो कि हर एक सीजियल एस्पिरेंट और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो प्रिपेयर करते हैं वो लोग देते ही देते हैं एक मोक और अगर नहीं दे रहे हो तो देना स्टार्ट कर दो क्योंकि मोक से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आ, कोई कोई ओलि बोर्ड से देता है और कोई कोई टेक्स्ट बुक से लेकिन मुझे टेक्स्ट बुक का ज़्यादा रिलिवेंट लगता है तो मैं टेक्स्ट बुक से देती हूँ लेकिन आज मेरा स्कोर थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था क्योंकि मेरा जो जी के सेक्शन में मेरा बहुत कम एक थी मम्मी बाहर गई हुई थी तो मैं आज बना टेस्टी सा लंच वेज पुलाव रायता और पापड़ और उसमें मेरा भाई भाई ने भी मेरा हेल्प की थी और हम लोगों ने लंच किया उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पे फिर से और मैं स्टेट गवर्नमेंट की कुछ कुछ एग्ज़ाम देती हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा उ, उसके लिए भी पढ़ाई करती हूँ तो मैं अभी वो कर रही हूँ सो so, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं क्यों वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी मैं उस, उससे आगे आपको बताऊंगी तो रीज़न नहीं था कि मैंने कुछ स्टेट गवर्नमेंट के कुछ कुछ एग्ज़ाम दी थी और उसमें मैंने बहुत अच्छा भी किया था लेकिन मेरा नहीं हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई एक तो वही रीज़न है और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी बीच में मतलब मैं जो मैंने जो सी के लिए स्टडी प्लान बनाया था जो जो भी किया था मैं वो नहीं फॉलो कर पाई और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मैं इसीलिए बोल रही थी कि मैंने हेल्थ को नेग्लेक्ट करके बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले से पढ़ाई के लिए को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर रही थी तो इसीलिए मतलब वो थोड़ा थोड़ा को नेगलेक्ट करके बहुत बड़ा हो गया और मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया इसीलिए मैंने कोई भी वी वीडियो नहीं डाल पाई तो अभी मैं ठीक हूँ तो अभी मैं ट्राई करूँगी कि मैं अल्टरनेट डे पर ही वीडियो डाल दूँ क्योंकि हर रोज़ पॉसिबल नहीं होता है एक तो मेरा स्टडी टेब शेड्यूल बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है मुझे वो सब भी करना है और फिर ये सब तो नहीं हो पा रही तो मैं अल्टरनेट डे पे वीडियो डाल दूँगी so, सो शाम को मेरी मम्मी आ गई थी और ट्यूसडे था और मैं हर ट्यूजडे को मंदिर आती हूँ तो मैं और मम्मी आ गए हैं हमारे जो यहाँ के देवी मंदिर है वहाँ पर और यहाँ पर इतनी अच्छे से शाम में पूजा होती है और आरती के टाइम इतना ज़्यादा अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है और मुझे तो ऐसे जगह बहुत ज़्यादा पसंद है मैं कहीं और टाइम बिताने से ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि मैं एक घंटा मंदिर में बिता दूँ पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर आना और आप लोग भी देख सकते हो कितने अच्छे से पूजा हो रहा है और ये जो यहाँ पे मतलब बहुत ही सैटिस्फाइंग है तो मंदिर से आने के बाद मैंने खाना खा लिया था और मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि मैं स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर हो रही हूँ तो मैं दोनों पे बैलेंस करके चल रही हूँ मैं वो मैं दोनों का पढ़ाई कर रही हूँ सो ये आज मैं कर रही हूँ हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ सो दैट्स इट्स फॉर टुडे वीडियो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो भेज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना